हाँ तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार तो आज हम लोग बी के द्वारा जो बिहार में जो शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत एक आज काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना जो है आपका आज के दैनिक हिंदी पेपर में दिया गया है बहुत सारे परीक्षार्थियों का कॉल आ रहा था कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा कब तक जो है हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो इसके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जैसा कि आप देख सकते हैं कल फाइनल हो जाएगी एक लाख सत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा आपका कि कब आपका ऑनलाइन आवेदन आएगा और कुछ नियमावली में क्या सुधार की जा रही है किस मसले के कारण जो है आपका विज्ञापन अभी तक नहीं आया है इन सभी मुद्दों पर हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें वहाँ पर जो है प्रतिदिन क्यूज़ का आयोजन कराया जाता है तो हम लोग इस न्यूज़ को एक बार पूरे विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि कक्षा एक से बारह तक एक लाख सत्तर हज़ार चार सौ इकसठ शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न सहित वैकेंसी से जुड़े सभी मामले उनतीस मई को फाइनल हो जाएगा तो उनतीस मई को जो है आपका यानी कहा जाए तो कल सोमवार उनतीस मई को क्लियर हो जाएगा बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग और समान प्रशासन विभाग सहित बीपीएससी की अधिकारियों की होने वाली बैठक में तो कल 29 मई को आपका बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद और उसके अलावा जो बिहार में बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग और जो सामान्य प्रशासन विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनकी एक सामूहिक मीटिंग होने वाली है और उसमें वैकेंसी से जुड़े सभी पहलुओं पर जो है चर्चा होगी और इसके बाद जो है आपका वैकेंसी जारी हो जाएगा क्योंकि बी ने जो प्रारूप तैयार किया जो सिलेबस तैयार किया वो तो फुल रूप से जो है रेडी कर लिया उसके बाद शिक्षा विभाग से उस पर अनुमोदन चाहिए था तो बीपीसी ने शिक्षा विभाग को पहले भेजा सामान्य प्रशासन को भेजा तो कहीं ना कहीं कुछ मामले में जो थी त्रुटि थी इसी के कारण जो है आपका विज्ञापन रुका हुआ था अभी क्या है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं और सामान्य प्रशासन ये तीनों जो डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी एक साथ बैठेंगे और सभी समस्याओं का हल निकालते हुए आपका विज्ञापन जो है जारी हो जाएगा इसके पहले आप जैसा देख सकते हैं कि इसके पहले बीपीसी ने वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजा था ताकि विज्ञापन में किसी तरह की कमी और गलती नहीं रह जाए इसके पहले शिक्षा विभाग ने तय कर दिया है कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी किसी भी उम्र के नियोजित शिक्षक जो हैं शिक्षक पत्रता में शामिल हो सकते हैं यानी नॉर्मल जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो एज लिमिट होगा लेकिन जो पूर्व से नियोजित शिक्षक है उनको एज की लिमिट नहीं रहेगी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में दस वर्ष की छूट मिलेगी तो इस तरह इस तरह के जो हैं बहुत सारे जो थे तृतीय थी जो बी को जानकारी नहीं थी तो इसी के कारण जो है थोड़ा आपका ऑनलाइन विज्ञापन में लेट हो रहा है इसके अलावा देख सकते हैं कि बी ने शिक्षा विभाग को जो वैकेंसी का प्रारूप भेजा है इसमें दो घंटे में एक प्रश्नों की परीक्षा होगी निगेटिव मार्किंग होगी यानी एक प्रश्न के पाँच विकल्प होने की स्थिति में चार प्रश्नों के गलत उत्तर पर एक अंक कटेंगे और यदि एक प्रश्न के तीन विकल्प होने की स्थिति में जो है आपके तीन गलत उत्तर पर जो है एक अंक कटेंगे तो 150 अंकों के पेपर में 100 अंक विषय के और 50 अंक जो है आपके जनरल स्टडी के रखा गया है लेकिन सौ अंकों का क्वालिफाइंग पेपर में तीस अंक लाना जो है आपको जरूरी है यदि तीस अंक से कम लाएंगे तो अभ्यर्थियों की जो मूल कॉपी होगी जिससे उनका मेरिट लिस्ट तैयार होगा उस कॉपी की जांच नहीं होगी तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन और बी का जो है कल मीटिंग होने वाली है और कल मीटिंग में जो है ये सभी मुद्दों पर जो है कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा यदि आप बी बिहार द्रोगा या बिहार शिक्षक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद